गोलघर की सड़कों के किनारे पटरी व्यवसायियों और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को हटाने और ठेला खोमचा लगाकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को गंदगी न करने के लिए मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने शनिवार को गोलघर की सड़कों का निरीक्षण किया। फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा कब्जा करने और सड़कों पर सामान रखने से पैदल चलने वाले नागरिकों को सड़क पर आने जाने में परेशानी और जाम की समस्या होती है, जिसके लिए नगर निगम अधिनियम 296 के तहत नोटिस दुकानदारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने कहा, निकालो हाथ निकालो। हो गया सर, ये सब निकाल के हो गया सर। निकालो सब गिलास वाला, निकालो गिलास और गिलास निकालो। नारियल फेंक दिया, नारियल जाम हो जाना है। निकालो आगे कर लो, अब केला वाला हटाओ वहां से। चलो ये ठेला देख सब रहा है, रहा आगे इसको चले चल। और आगे बढ़ा लो, पिटोरो जल्दी जल्दी पिटोरो जल्दी। अबे हाई पिटोर, हाई पिटोर, और नीचे पन्नी उन्नी है पिटोरो, और पालथिन पालथिन है। बेसिकली जो गोलघर है, गोलघर में लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार हैं अपने सामने, एक तो वो सामान रख लेते हैं वरंडा में, है ना, दूसरा वो रख लेते हैं फुटपाथ पे, और उसमें भी जगह ना मिले उनको तो रख लेते हैं सड़क पे। तो उससे होता क्या है कि जो आने जाने वाले हैं लोग, जो सामान खरीदने वाले जाने होते हैं, तो वो फुटपाथ पे ना चल कर सड़क पे चलना पड़ता है उनको, और सड़क पे सामान होने की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, पूरी दिक्कत हो जाती है। आज मैं इसी को लेकर के गया था कि देखूँ क्या है आखिरकार। तो लोगों ने अपने दुकान के सामने कपड़े रखे हुए हैं और वो स्टैंड टांग रखे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे गत्ते रखे हुए हैं जो खाली पड़े हैं उनके सामने जो है ये, तो उनको सबको आज हटवाया गया है। और नगर निगम की धारा के तहत, जो नगर निगम की धारा 296 के तहत इनको सबको नोटिस सर्व किया जा रहा है, अगर दोबारा से रखेंगे तो उनके सामान जब्त कर लिया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी कॉपी हम SP ट्रैफिक साहब को और SP सिटी साहब को भी भेज रहे हैं।